So hello everyone, welcome back to the next episode, yet another day from Green Hill Resort. So पिछले पार्ट में मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था ग्रीन हिल रिजॉर्ट के शॉर्ट्स डालना, बट इस बार ग्रीन हिल रिजॉर्ट्स के शॉर्ट्स को इन्जॉय करें और वाइब ले दिए मेरी तरह. सो मूविंग टूवर्ड्स द ब्लॉग, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सिनेमैटिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. मौसम काफ़ी प्यारा था और इस मौसम में चाय का आनंद विथ मैगी एक परफेक्ट कॉम्बो था जो हमने किया उस दिन. वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज. दो ही एपिसोड आने, सो दो में कोई एपिसोड नहीं होता, बट वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज. अभी हमने मैगी खाई, वी हैड आवर टी एंड मैगी, और उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया. काम था दिव्यांश को, भैया को, सो दे डिड द वर्क. एंड आफ्टर इट्स लाइक अभी बज रही है 12 PM एंड इट्स लाइक कि अब जाना है. मौसम भी थोड़ा काफ़ी सही हो चुका है, आपने टाइम लैप्स भी देखे होंगे. विल बी कवरिंग द वे, विल बी कवरिंग द एंटायर जर्नी, विल बी शोइंग यू द गुड सिनेमैटिक्स, काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे. जस्ट वेट एंड वॉच, सफ़र का मज़ा लेते हैं, तो चलो चलते हैं. And one more thing, if you want to visit any offbeat place near Pauri, then I can say this is one of the best place you can ever visit or you'll ever get. Bhai, yahan se matlab dur dur tak koi jagah nahi hai, matlab like it's a very peaceful place. Village wali vibe dega aapko aur kafi peaceful vibe dega. So it's my recommendation ki agar aapko shahar se dur aana hai, bheed bhaad se dur aana hai, you better stay here and enjoy this life. It's really peaceful. Like Pauri mein main rehta hu, but यहाँ आके मुझे अलग ही वाइब मिल रही है. मेरे को मन कर रहा है कि मैं और रुकूँ. पौड़ी में क्लासेस वगैरह चलती मेरी, सो आई हैव टू गो देयर. यू विल फाइंड पीस हियर, एट मोस्ट पीस. सो चलते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस द ट्रैवलिंग पार्टनर, माय ट्रैवलिंग पार्टनर फॉर टुडे. दिस इज अमन भैया, ऑल्सो नेम इज बंटी भैया, एंड ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल एज फ्लाई विद यूक्यूटेल. आई बटन में लिंक दे रही है, प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब जरूर करना. ही मेक्स वेरी कूल स्टफ्स. हर्षिल गए हैं, प्यारे प्यारे केदारनाथ भी गए हैं, और कहाँ कहाँ गए मत बता रहे हैं ना, सरप्राइज. हाँ ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट चेक करना, आई विल ड्रॉप द प्लेलिस्ट टू. बहुत मजा आने वाला है आज. वही काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है, लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मौसम ऐसा सही हो जाएगा. आज के डेट में जब यहाँ पे आए थे ना, तो उस टाइम मौसम ऐसा नहीं था, बट अब तो भाई वी हैव द नेगेटिव वाइब्स अटैच्ड टू दिस प्लेस व्हेन वी केम लास्ट टाइम, बिकॉज उस टाइम लड़ाई हो गई थी. तो उस टाइम थोड़ा मतलब मूड ऑफ सा हो गया था, बट उस व्लॉग को भी प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उसके मैंने दो पार्ट निकाले थे. सो राइट नाउ इट्स लाइक 12:20 एंड इट्स राइट टाइम टू हेड टूवर्ड्स आवर जर्नी. तो सफर का मजा लीजिए और सफर हमारे साथ एंजॉय करते करते सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. और सफर आज हम करेंगे बंटी भाई के साथ, और दिव्यांश पता ही आपको, वो तो एज यूजुअल रहता ही हमारे साथ, काम कर रहा है. सो अभी वो इनएक्टस, उसका कोई क्लब है, उसमें काम कर रहा है. एंड चलो चलते हैं. बाकी इफ यू नीड एनी प्रोजेक्ट्स, हाँ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, लाइक आई हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोडक्शन सर्विसेज एंड वी हैव आवर इंस्टा पेज टू. अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको, बट सून यू विल सी सम कूल स्टफ देयर. काफ़ी कुछ करने वाले हैं, हम काफ़ी कुछ सोचा है, स्टे ट्यून्ड. उसके लिए भी आपके मन में हम एक्साइटमेंट जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस, हम प्रोड्यूस बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्साइटमेंट ऑफिशियली, मतलब हमने कभी वो नहीं करा, मतलब प्लेटफॉर्म पे डाला नहीं है. तो प्रोजेक्ट्स हैं बट प्लेटफॉर्म में डाला, प्लेटफॉर्म में नहीं डाला है, बट वी आर डूइंग स्टफ्स, वी आर डूइंग कूल स्टफ्स. एंड कम हियर बॉय, वी हैव द अनदर ट्रैवलिंग पार्टनर एंड दिस इज मिस्टर दिव्यांश रावत. भाई कैसा है? बढ़िया
तो चलते हैं, अब सफर का मजा ही लेते हैं, ज्यादा बकबक कर लिया हमने। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारा प्यार देना इस चैनल को, ठीक है? चलो चलते हैं, स्प्राइट माउंटेन ड्यू एज्यूम करके बोलते हैं, डर के आगे जीते। यहाँ से नहीं जाओगे, पहला बैंड पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देवदार के पेड़ मिलेंगे, वहाँ से फिर ऊपर 10 कदम। कितने मिनट का ट्रैक है? बस 20-25 मिनट। 20-25 मिनट तो हमारे लिए 1.5 घंटा होगा ये। आधे घंटे यार। अरे हम बनाते जाएंगे ना, बनाते जाएंगे। तो भैया ये रिजॉर्ट के मालिक है, हम इनको इनसे मैंने पहले भी आपकी मुलाकात कराई है, तो डू विजिट दिस रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट की तारीफ तो मैंने कर चुकी है, ऑनेस्ट रिव्यू दी है मैंने, सो जरूर आना और इंजॉय करके जाना, ठीक है? ऑनेस्ट रिव्यू में कहते हैं लड़ाई हुई थी। अरे वो तो कोई नहीं, इस वाली में मस्त, इसमें मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक। सो वी जस्ट स्टॉप देयर बिकॉज हमें रास्ते का पता नहीं था, एंड वी जस्ट कॉल्ड केशर भैया। सो ये बैंड है, हम ज़्यादा आगे आ चुके हैं, बट हमें फिर से रिटर्न बैक मानना होगा पहले बैंड में, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला वे होना चाहिए था, क्योंकि ये भी जा रहा है, ये भी मतलब यहाँ पर आदमी आए हैं, बट भैया ने बताया कि थोड़ा ऊपर जाना है, सो विल बी हेडिंग टूवर्ड्स बैक। फाइनली दिस इज रोड, एंड यहाँ से ऊपर हमें अपना छोटा सा ट्रैक है उसे फॉलो करना है। थोड़ी लोकेशन में हम भटक चुके थे, बट आप आओगे तो इधर से ऊपर पर जाना है और सफ़र का मज़े लेना है, ठीक है? सफ़र के मज़े हर टाइम लेना है, ठीक है? सफ़र तो एक मंजिल है, सफ़र खूबसूरत है भाई, वाई द बॉस। चलो भाई, रास्ता दीख सकता, बट यहाँ की पूरी वाइब ही बदल गई यार, बॉस यार, वाई द बॉस। So you can see, एक सस्ता बुग्याल है। So you can see these like, ये जो पेड़ों की खाल होती है इसको हम सुखा के इसका आग जलाने का काम आता है, like ठंडियों में। So villagers इसको लेने भी आते हैं और ये बिकते भी हैं शायद से, दीज आर सोल्ड आउट। तो काफ़ी घना जंगल है, मेरे को पता कैसी वाइब्स आ रही है, जैसे जैसे मेरा ड्रोन खो रहा था ना, जैसे हम ढूंढने जा रहे थे वैसी वाइब्स आ रही है, बट टुडे आज हम सेफ साइड चल के सेफ ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बियर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। चलो चलते हैं, बंटी भाई भी ब्लॉग करते करते आ रहे, क्योंकि दो लोग एक साथ ब्लॉग नहीं कर सकते ना, आवाज़ एक दूसरे में आएगी। हाँ ये, हाउ यू फीलिंग ब्रो? स्पीचलेस भाई, स्पीचलेस, लाइक कि डर से स्पीचलेस, कि एक्साइटमेंट से स्पीचलेस, कैमरा से स्पीचलेस, इस कैमरा शायद। तो चलो, दो तीन माउंटेन्स हमने देखे थे, दो तीन हमने पहाड़ देखे थे जिनको हमें मतलब पार करके जाना था, एंड यहाँ से आई कैन गेस कि नीला नीला आसमान दिख रहा है। तो लाइक होता है ना कि एक हमने अचीवमेंट अटेन कर ली है, तो यहाँ से हम आपको थोड़ा सा एरियल भी दिखाएंगे मस्त एकदम। ये पहाड़ की वादी है मेरे दोस्तों, यहाँ ज़रूर आना और अपने साथ बहुत सारी यादें ले जाना। दिव्यांश ऑलरेडी रीच देयर, एंड फ्रॉम देयर वी आर ट्राइंग टू गेट सम एरियल शॉट्स। काफ़ी सेफ मूव खेल रहा हूँ मैं तो आज। यू कैन सी द टॉप, वो देख सकते हैं आप, वहाँ हमें हेड करना है, अब सीधे हम वहीं जाके रुकेंगे, उसके बाद फिर से आराम से मस्त आपको वाइप करवाएंगे। ओ भाई, सो दीज आर माई बॉयज, कैसा लग रहा है भाइयों?
नेट नहीं आ रहा ना, देख लो भाई पहाड़ों का, पहाड़ों का डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि आपको या नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलेंगे। वो बेचारा सेल्फी नहीं ले रहा है, वो नेटवर्क ढूंढ रहा है, उसको कॉलेज का काम करना है, लाइक ही हैज टू गिव सम वीडियो प्रोजेक्ट टू हिज कॉलेज मेट्स। चौरा पेड़ देखना कितना अलग है, ये ना अलग ही पेड़ है भाई, पेड़ नहीं है ये पेड़ वाइब है यार, अलग ही वाइब आ रही है इस प्लेस में। देखो वो टॉप देखो, ये वाला टॉप देखो, और ये वाला टॉप जहाँ हम जाएंगे देखो ऊपर, मस्त भाई। और यहाँ नीचे पता शायद वाटरफॉल भी है। हाँ आवाज आ रही है यहाँ से, वो छोटे छोटे गांव भी दिख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। बहुत दूर है, मतलब कि लाइक रोड हेड पे ही है बट दूर है। सो लेट्स आस्क दिव्यांश कि पहाड़ों में आने के डिसएडवांटेज क्या है। मुझे मत पूछ भाई, भाई डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तुमने भी देख ही लिया, वही नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू भाई। और दूसरा है कि रिस्क, यू कांट प्रेडिक्ट एडवेंचर, इट्स अनप्रेडिक्टेबल क्या होगा। बट वंस यू रीच टू योर लाइक प्लेस ना, वेयर यू हैव जस्ट मेड योर डेस्टिनेशन, देन यू फील लाइक, यस फील्स लाइक हेवन। ओ भाई वहाँ ये दिख रहा आपको, हल्का सा दिख रहा होगा, दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, दिख भी नहीं रहा भाई अभी तक तो, बट काफ़ी सूदिंग सा लग रहा है भाई, आँख से देख सकते हैं आप, बढ़िया एकदम। वाटर इज मस्ट इन सच टाइप ऑफ ट्रैक और सच टाइप ऑफ रास्ता भाई, पानी पियो यार, पानी पियो सो दैट तुम्हारा बॉडी अच्छा फंक्शन करेगा। चलो और ऊपर चलते भाई। आधी मंजिल तय कर ली है, और एक चीज़ में बताना चाहता हूँ कि बंटी भैया जो थे हमारे फ्लाई विथ यूके डेल, ही हैज़ गॉट सम अर्जेंट प्रोजेक्ट जो उनको क्लाइंट को डिलीवर करने थे, तो वो बैक टू रिजॉर्ट चले जा चुके हैं, मतलब उन्होंने हेड बैक कर लिया रिजॉर्ट के लिए। सो वो व्लॉग नहीं कर पाएंगे अब, बट मैं इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंट दे रखा भगवान ने कि मैं अपने लिए भी कंटेंट निकालूंगा और भैया के गोपरे से भी उनके लिए कंटेंट निकाल के आऊँगा, क्योंकि भैया ने मुझे गोपरे दिया था कि लाइक कि तू अपने शॉट्स ले ले, गोप्रो काम आएगा। सो आई टुक द गोप्रो, बट मेरे दिमाग में आया कि अब भैया के लिए ब्लॉग क्यों ना शूट करूँ, भले ही मतलब कि लाइक नेचर वही है, वाइब आपको वही दिलाऊंगा, बट इस टाइम भैया के ब्लॉग में मैं रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, दोनों ब्लॉग देखना और मज़े करना, ठीक है। चलो चलते हैं उधर, देख सकते हैं आप, उधर ही जाना हमें, और ज़्यादा लंबा नहीं है, आराम से हम उस टेम्पल को विजिट करेंगे, शॉट्स लेंगे और वापस आ जाएंगे। दिव्यांश शर्मा या बचे भाई, चलिए आप सीधे डायरेक्टली हेड करेंगे यार डेस्टिनेशन में ना, कोई रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा मैं, रिकॉर्ड में थोड़ा ऊपर से करूँगा जहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन हमारे क्लोज होगी। सो विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेस, चलो चलते हैं, बाय बाय। है रास्ता, आ जाओ भाई, पता क्या हुआ हमारे साथ, वी केम टू अ डेड एंड जहाँ से हम नीचे डिसेंड ही नहीं कर पाएंगे, इतना मतलब खाई है, रास्ता ही नहीं है भाई, हम शायद से ना रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि रास्ता हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे से, और उसके लिए हमें फिर बैक टू पोजिशन जाना पड़ेगा, फिर वापस आके फिर एसेंड करना पड़ेगा। बेसिकली उस मंदिर में बल्कि पंडित जी भी नहीं है, मेन बात यह है, हम मंदिर से जा रहे थे ताकि हम थोड़ी हाइट वाली जगह से आराम से मतलब व्यू देख सके, दैट वॉज आर मेन मोटिव, और मंदिर था तो केशर भाई ने बोला कि चलो मंदिर चले जाओ, बट वी लॉस्ट आवर वे, एंड लाइक हमें लगता है कि वी शुड जस्ट गो टू सम अदर प्लेस, वहाँ बैठ के वाइब करेंगे मस्त एकदम।
सुभ्यांश वहाँ जाए क्या, वो टॉप दिख रहा हो वो बुग्याल टाइप का बहुत अच्छा दिख रहा है, वहाँ सेफ भी है। विल जस्ट हेड यू टूवर्ड्स दैट प्लेस। काफ़ी मतलब ऐसे मत सोचना कि हमने मंदिर नहीं दिखाया, वो मंदिर बेसिकली एक छोटा सा मंदिर है, टॉप में है बस, उस मंदिर की खासियत यही है। सो चलते हैं, सफ़र और दिखाते हैं आपको, चलिए। सो वो जो आपको टॉप पिक दिख रही है ना, हमें वहीं जाना था बट हमें रास्ता मतलब नहीं मिला एंड लाइक थोड़ा सा दुख हुआ हमें, बट स्टिल वी गोना शो यू सम गुड कंटेंट। आराम से आप वाइब करो, आराम से आप मतलब चिल करो, क्योंकि व्लॉग इज़ ऑल अबाउट जस्ट रैंडम थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ। मैं फैमिली व्लॉग नहीं करता बट स्टिल ट्रैवल व्लॉग में ऐसा करता हूँ कि एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, तो मैं नहीं पता कि रास्ता कहाँ जा रहा है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पानी दे, पानी भाई यार, बोल भाई यार, भाई पानी मांग रहे यार, देखो कितना अच्छे फ्लो में बोल रहा था, पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर दी थी मैंने। सो काफ़ी अच्छी है मतलब, ओह माय गॉड भाई, हमने तो कुछ करा नहीं, यहाँ पर रील्स बना दी। अब ऐसा है, इंस्टाग्राम में फॉलो मार दो ठीक है, रील्स देखने के लिए बढ़िया एकदम। आजकल तो मेरी रील्स में लोग बहुत शेयर रीशेयर कर रहे हैं, सो इट्स लाइक अ गुड अचीवमेंट फॉर मी कि मैं इंस्टाग्राम में भी अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। और बहुत ही बकवास, अब जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। मैं सीधे कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जितना कम वेस्ट करें उतना टाइम हम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं जहाँ पर हमें जाना है। सो चलो चलते हैं, बाय बाय। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर, भाई वेदर देखो काफ़ी भयानक हो चुका है। अब भाई बंद करो अब सब और सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलो। आज शायद से डेस्टिनी में नहीं था वहाँ जाना, एंड जहाँ हमने सोचा था वहाँ जाना भी नहीं था, सो आज डेस्टिनी में पौड़ी जाना था, सीधे पौड़ी जा रहा हूँ भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी की मीम चला दो। इफ यू गाइज वाइब्ड एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग, इट वॉज लाइक अ रैंडम व्लॉग टू अस, ठीक था, बढ़िया था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हार्दिक रावत द ट्रैवल व्लॉगर, व्लॉगिंग माय लाइफ, एंड लेट्स गो एंड मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके टाटा बाय बाय। डेस्टिनेशन बीएनए रिसोर्ट, आप पीछे देख सकते हैं मेरे, तो हम वापसी कर चुके हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एडवेंचर रहा मेरा, और प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा लोगों में शेयर करना, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया होगा या फिर होने वाला है। सो मस्त एकदम चिल्ड एकदम, चलो।